मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा यहाँ पर ये बर्दों की, मैं समझाने के लिए आपको VMware यूज करके बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने जिस सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन करनी है आप उसके अंदर USB लगाएं और आप अपने सिस्टम के मॉडल के हिसाब से चेक करें कि उसको बूट देने के लिए कौन सा की बटन जो है वो प्रेस करना है आपको। जो डेल के वर्क स्टेशन होते हैं नॉर्मली उसके अंदर हम F10 का बटन प्रेस करते हैं। बहरहाल जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आ जाता है कि आपने सेटअप में जाना है या बूटेबल स्टार्ट करना है या L लेनी। नॉर्मली F1, F2, F5 या F10 का बटन दिया जाता है, F12 भी हो सकता है, ये आपने देखना है। जैसे आपको नजर आए आपने फौरन वो बटन प्रेस करना है ताकि आपकी विंडोज आगे ना आए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम मैं यहाँ से शुरू करूँगा VMware। जैसा ये आया लिनक्स का वो डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि मैंने उसको फिट कर दी है, जैसे आप भी समझते मैंने बटन प्रेस किए हैं उसको ऑन करने के। फॉर एग्जाम्पल F10 का बटन दबाया, उसके बाद ये थोड़ा सा वेट करवाएगा, आप उससे पूछेगा कि आपने जो नेक्स्ट प्रोसीड करना है जो आपने बटन दबाया वो उससे क्या करना है आपने। तो आपने USB डिवाइस सेलेक्ट करनी है, तीसरा ऑप्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो तीसरे में ऑप्शन में या दूसरे ऑप्शन के अंदर जब आपका USB डिवाइस का ऑप्शन आए तो आपने उस पर क्लिक करना है ताकि जो आपकी बोर्ड है जो आपको स्टार्ट होना है कंप्यूटर वो USB के थ्रू स्टार्ट हो। तो USB के थ्रू जब स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ पर सेम है। फिलहाल ये डिस्क को चेक कर रहा है कि इसके अंदर कोई मसला मसाइल वगैरह ना हो। जब आपने उसमें USB लगा के इसको स्टार्ट करना है तो जो आपके पास ऑप्शन वैसे भी ऑटोमेटिक होता है कि उसने इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करवा देना है आपसे, आपसे पार्टीशन के बारे में पूछेगा, आपने उसको यस कर देना। और इंस्टॉलेशन करने के बाद आप ना भी पूछे तो आपने इसके सामने डेस्कटॉप पर ऑप्शन आएगा यहाँ पर कि इंस्टॉल को हार्ड ड्राइव, उस पर आप डबल क्लिक करें और आपने उसको इंस्टॉलेशन के लिए फॉरवर्ड कर देना इंस्टॉल को। पहले ये आपकी फाइल कॉपी करेगा जिसमें भी ये टाइम लेगा और ये टाइम डिपेंड करता है आपके वर्क स्टेशन की प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर। जब एक फर्क ये भी है, अगर आप इंटरनेट लगाकर इंस्टॉलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप इंटरनेट के बगैर इंस्टॉलेशन करेंगे तो टाइम कम लगता है क्योंकि इंटरनेट लगा हुआ होगा उसको साथ साथ इंटरनेट से चेक करेगा, उसकी कोई अपडेट होंगी तो वो उसको साथ साथ अपडेट करेगा जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आप पहले से शुरू कर लें कि इंटरनेट के बगैर इंस्टॉल कर लें, जब आपका मुकम्मल काम हो जाए तो इंस्टॉलेशन के बाद आप उसको इंटरनेट प्रोवाइड करें ताकि वो बाद में उसको अपडेट कर सकें। इंस्टॉलेशन के लिए जब आप USB लगा लेंगे वो आपसे पूछेगा कि USB लगाने के बाद आपने इसको Ubuntu को ट्राई करना है या इंस्टॉल करना है, तो आपने इंस्टॉल Ubuntu पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपने कीबोर्ड लेआउट कौन सा रखना है, आपने US के अंदर जाके इंग्लिश US सिलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ये स्टेप बाय स्टेप की निशानी है। उसके बाद आपकी नॉर्मल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी या मेन्यू पर कौन सी करनी है वो भी आपसे पूछेगा। तो इस ऑप्शन के अंदर आपने नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है और अगर आपका इंटरनेट साथ साथ है तो वो डाउनलोड करेगा अपडेट्स को वो भी इंस्टॉल कर ले, कंटिन्यू करना आपने। उसके अलावा जब आपने नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है तो ज़्यादातर वो आपसे पूछेगा कि डिस्क पार्टीशन आपने करनी है तो इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबंटू ये वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। जब वो इंस्टॉलेशन करेगा तो आपसे टाइम जोन के बारे में पूछेगा, टाइम जोन आप सिलेक्ट कर लें पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान करें, और वो सारा कुछ करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है और वह एंड पर आपसे रीस्टार्ट के बारे में कहेंगे, तो आपने उसको रीस्टार्ट कर लेना है। तो जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपको USB की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि अब आपने उसको सक्सेसफुली हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया होगा। तो जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, वो डायरेक्ट आपको यूजर के ऊपर लेकर आएगा। उसके अंदर आपने जब ये इंस्टॉलेशन देनी है तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पूछेगा, वो आपने उसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले लेना है। जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के बारे में लिखा हुआ है बूटेबल के लिए, अगर आपका कंप्यूटर या वर्क स्टेशन एसस है F8 एसके, एसीआर के लिए F12 है, F9 है, एस्केप का बटन है, डेल के लिए
F12 का बटन यूज करते हैं, HP के लिए F9 यूज कर सकते हैं, स्केपल, लिनोवो अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर है, F8, F10, F12, इसी तरह सैमसंग है, टोशिबा है। नॉर्मली जो वर्क स्टेशन है वो डेल के अंदर आते हैं, और उसके अंदर हम F12 का बटन प्रेस करते हैं उसको बूटेबल ले जाने के लिए, फिर आपके ये बाकी काम स्टेप्स शुरू होते हैं।